हेलो फ्रेंड्स मैं अविज आप देख रहे हैं अविज फर्मा का एंड टैक्स वोसम फ्रेंड्स ये है एम आई ए थ्री और इनका ये सेट आया है रिस्टोर होने के लिए इनका ये सेट जो है पूरा कॉम्बो डैमेज हो गया है जो कि सुपर एम्लेड है और पीछे का बैक ग्लास भी डैमेज हो गया है तो इन्होंने भेजा है और ये रिस्टोर होने के लिए आया पूरा कम्प्लीट इनका जो रिस्टोरेशन में है बैक बॉडी मिडिल बॉडी और कॉम्बो ये तीनों चीज़ इनका रिप्लेस होगा तो चलिए पहले हम इसको ओपन करते हैं ओपन करके देखते हैं कि इसका अंदर से कंडीशन क्या है और इसमें अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं तो चलिए इसको रजिस्ट्रेशन से पहले इसको ओपन करके देखते हैं चलिए तो हेलो फ्रेंड्स में अवतीज आप देख रहे हैं का टैक्स फ्रेंड्स ये है थ्री सेट आपका जो मैं बता दूं ये जो सेट होता है ये सुपर एमलेड होता है इसके ऊपर जो डिस्प्ले होती है सुपर हेमोलेड होती है जो कि फिंगरप्रिंट फिंग वर्किंग होती है और इसका पीछे बैक ग्लास देख लीजिए ग्लास है पूरा कम्प्लीट इनका ये डैमेज हो गया है यहां से ये क्रैक हो गया है तो ये आया है री होने के लिए तो चलिए हम पहले इसको ओपन करते हैं ओपन करने के देखिए क्या है सबसे पहले बहुत फिक्सिंग होती है हाई क्वालिटी में बट ये पहले ओपन हो चुका है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है तो हमें क्या करना है कुछ करना नहीं है हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं अगर ये ओपन नहीं होता तो इसको हीट मशीन से थोड़ा सा हम लोग हीट करते उसके बाद इसको हम लोग ओपन करते बट ये ओपन है तो हम ये टूल्स लगाएंगे ये देखिए ये इस तरह से है ओरिजिनल पीस में आप देख लीजिए आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ओरिजिनल कैसे पता चलेगा देखिए ओरिजिनल में यहाँ पर आपको क्यूआर कोड लगा होता है ये देख लीजिए और इस तरह से नंबर होते हैं और इस तरह से ब्लैक पेपर लगे होते हैं ओके ये ब्लैक पेपर लगा होता है कभी कभी से आता है तो ये स्टीकर भी लगे होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं तो ये ओरिजिनल एम आई का बैक ग्लास है मेरे पास है अवेलेबल अगर आपको चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूँ तो ये है आपका ओरिजिनल पीस आप देख सकते हो ओरिजिनल में यहाँ पर एंड्रॉयड वन लिखा होता है चलिए ये बैक पैनल आपका हो गया उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका ये नीचे का किट है ये ऊपर का किट है जो कि पूरा स्क्रू से टाइट है तो चलिए हम इसको जो है ओपन करेंगे ठीक है तो इसको हमें ओपन करने के लिए टूल्स का यूज़ करना है तो हम इस टूल्स का यूज़ करेंगे चलिए हम पहले फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं ये यहाँ पर सारा स्क्रू है बहुत ज़्यादा स्क्रू होता है देखिए हर स्क्रू को ओपन करना बहुत जरूरी होता है और ये सेट जो है इनका एम आई बहुत ही कॉस्टली सेट है और इन्होंने ट्रस्ट बेस पर मुझे भेजा है और मैं इनके जो सेट है वो सबका सब हंड्रेड परसेंट औरिजिनल पीस लगाऊंगा और जो भी सेट के पीसेज है वो सब फर्स्ट पीस है सेकेंड पीस भी नहीं है सब सेट रिमूव पीस है और सेकेंड का पीस में क्या होता है थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क आ जाती है बट फर्स्ट पीस अगर मिल जाए तो वह क्या बात है आपका फ़ोन पहले की तरह हंड्रेड परसेंट औरिजिनल पीस से चलेगा जो कि आपके लिए अच्छी बात है कंपनी uh, में जाते हैं सर्विस सेंटर में जाते हैं वहाँ पर भी आपको पीसेस मिलेंगे बट आपको फर्स्ट पीस नहीं सेकेंड पीस मिलेगा सेकेंड पीस मतलब कि आपको जो कंपनी बनाती है रिस्टोर करने के लिए लगाने के लिए वो सेकेंड के पीस होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पीस में लगाऊंगा इसमें और वो पीस जब रिस्टोर होगा फ़ोन तो हम आपको दिखाएंगे तो सबसे पहले हमें इसको पूरा ओपन करना है यहाँ पर चलिए चल देख लीजिए ये देखिए मैंने इसको ओपन किया है तो ये किट निकला है ये किट क्या होता है ये रिंगर किट होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन दिया गया इसी से आपका साउंड बचता है ये एम आई का किट है आप देख सकते हैं ओरिजनल देख लीजिए इसमें भी क्यू कोड लगा हुआ है ठीक है तो जितने भी ओरिजिनल पार्ट्स होंगे एम के उस पर लगभग क्यू कोड लगे होंगे अब स्कैन होते कि नहीं होते ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी स्कैन नहीं किया है और ज़्यादातर ये होते हैं ओरिजिनल पीस में क्यूआर कोड आपके लगे होंगे आपके पास अगर फोन होगा तो आप देख लीजिएगा निकाल करके और बैटरी पे भी मैं भी दिखाता हूँ कैसा होता है आगे पीछे का दोनों क्योंकि ओरिजिनल बैटरी के लिए लोग कन्फ्यूज़ होते हैं सर ओरिजिनल कैसा होता है तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा ओरिजिनल कैसा होता है उसके लिए आपको फ़ोन ओपन करते हैं तभी पता चलता है ना और एम की चार से पाँच यूनिट है मैनुफैक्चरिंग की तो देखता हूँ इसमें कौन सी मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है और इसकी बैटरी की भी अलग वीडियो बनेगी जैसे कि किसी को पता नहीं होता है कि हमारी में कौन सी बैटरी लगती है तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाई जाएगी तो ये आप देख सकते हैं ये आपका सारा पेच है इतना ज़्यादा पेच होता है दोस्तों कि खोलते खोलते हम लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर ये देख लीजिए ये खुल गया और ये देखिए ये नीचे का ये आपका पीसीबी वाला है जो प्लास्टिक बॉडी होती है पूरी पूरी ग्लास के साथ कंप्लीट और इस पर भी देखिए स्पीकर ये कनेक्शन आप देख सकते हैं इस पर स्पीकर का कनेक्शन दिया गया होता है तो ये आपका बोर्ड से कनेक्ट होता है एक और उसके बाद ये आपका ऊपर प्लास्टिक से होता है जो क्योंकि आपके मेन बोर्ड से कनेक्ट होकर स्पीकर को आवाज़ देती है तो ये आपका देखिए एक चीज़ और ये दो चीज़ आपका दो चीज़ दिख गया उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपका ये फ़ोन ओपन हो चुका है फ़ोन में आपका ये फ्लैक्स केबल है ये जो आपको चार्जिंग से रिलेटेड और फिंगरप्रिंट से रिलेटेड वर्किंग के लिए है ये फ्लैक्स केबल आप देख सकते हैं ये भी ओरिजिनल है इस पर कहीं क्यू कोड नहीं है क्योंकि ओरिजिनल है बट क्यू कोड नहीं है चलिए बेल्ट वायर है उसके बाद ये बेल्ट वायर है यहाँ पे मैं दिखा दूँ ये कंप्लीट बेल्ट वायर और ये नीचे आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले कनेक्शन है ठीक है इसके बाद ये कनेक्शन है फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए ये बहुत ही हार्ड चिपका होता है दोस्तों इसको निकालते वक्त आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है और ये नेटवर्क का वायर कनेक्शन हटा देते हैं ये आपका यहाँ पर निकल गया इसको खोलते वक्त सर आपको थोड़ा सा ख्याल रख ख्याल रखना होगा ये थोड़ा सा चिपका होता है नीचे तो आप इसको थोड़ा सा हीटिंग करके भी निकाल सकते हैं अगर आपका नहीं निकलता है जब दस्ती मत करिएगा नहीं तो ये क्रैक हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी चलिए देखिए इसमें यह जो बेल्ट वाला लगा हुआ है ये डिस्प्ले के लिए जाता है ठीक है यहां पे और इसका कोई काम नहीं इसको चिपका दिया गया इसी से और ये नीचे की जो पीस है ये आपका चार्जिंग और इसमें माइक से कनेक्शन है ये देख लीजिए माइक है और ये चार्जिंग के लिए कनेक्शन है इसके बाद और कोई कनेक्शन नहीं है इसमें नेटवर्क की पॉइंट दी गई है ये पॉइंट नेटवर्क के लिए दिया जाता है चलिए ये हो गया आपका फिंगरप्रिंट सेंसर ये बहुत ही हार्ड चिपका होता है इसको निकालने से पहले आप हीटिंग करके निकालिएगा कोई जबरदस्ती मत करिएगा नहीं तो ये आपका क्रैक हो जाएगा उसके बाद मैं बता दूं अगर ये नहीं निकलता है बाहर से इस तरह से आपको तो ऊपर से ग्लास निकाल लीजिएगा ये आपका डैमेज हो चुका है अगर डैमेज प्रोडक्ट है तो और अगर आपका डैमेज प्रोडक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में आपको धीरे धीरे सोल्यूशन करके निकालना होगा हीटिंग करके जबरदस्ती करेंगे ग्लास क्रैक हो जाएगा फिर फिंगर प्रिंट वर्किंग के बराबर हो जाएगी फिर उसके बाद देखिए बैटरी है बैटरी इस पर चिपकी हुई नहीं है बट ये आप देख लीजिए ओरिजिनल कैसी होती है एम आई ए थ्री की बी एम फोर एफ़ बैटरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं बी एम फोर एफ ओके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यू आर कोड है यहाँ पे आई एस यो है यहाँ पर देख लीजिए इनका जो है मेड इन चाइना प्रोडक्ट लिखा हुआ है फ्रंट में देखिए मेड इन इंडिया लिखा हुआ है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सर मेड इन इंडिया यहाँ लिखा है यहाँ चाइना लिखा लेकिन ये चाइनीस कंपनी है बट ये मैनुफैक्चर्ड बाई मेड इन इंडिया है और कंपनी का नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शनवुडा आप देख सकते हैं चलिए मैं दिखा देता हूँ बहुत से लोग होते हैं सर सन असली होता है क्या बाकी सब नकली होता है क्या नहीं ऐसा नहीं है सनवूडा के अलावा भी बहुत सारे मैनुफेक्चरिंग यूनिट है जो कि इनकी बैटरियाँ बनाती हैं तो ये ओरिजिनल बैटरी है आप पीछे देख लीजिए और आगे भी देख लीजिए यहाँ पर क्यू कोड दिया गया है ठीक है तो ये आपका है एम आई का बैटरी इसकी भी वीडियो सिंगल बनाई जाएगी नॉलेज के लिए उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये बसता है वायर जो इनकी नेटवर्क वायर है इसको भी हम ओपन कर लेते हैं ठीक है अब उसके बाद ये बसता है बोर्ड बोर्ड में यहाँ पे देखिए तीन कैमरे लगे हुए हैं हम इन्हें भी निकालते हैं बारी बारी ये फ्रंट अब लगाते वक्त भी ध्यान दीजिएगा देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा है कैमरे यहाँ पे तीन लगे हैं कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है जैक बराबर होते हैं तो आगे पीछे हो जाता है ये बड़ा वाला कैमरा है बीच का ये आपका छोटा कैमरा है लास्ट वाला उसके बाद यहाँ पर आपका जो है फ्रंट कैमरा है ये देख लीजिए ये ये फ्रंट कैमरा हो गया इसको साइड में रख लेते हैं अब यहाँ पर आपका ये चीज़ हो गया इसमें एक पेज भी लगे होते हैं बट यहाँ पे अभी पेज नहीं लगा हुआ है क्योंकि सेट पहले खुला था तो हो सकता है बाकी कोई इश्यूज़ नहीं है और इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये फिक्सिंग होगी टाइट आपको निकालते वक्त ध्यान देना होगा तो यहाँ पर देखिए निकल क्यों नहीं रहा मैं बता देता हूँ यहाँ पे मेरा चार्जिंग यहाँ पे आपका सिम ट्रे लगा हुआ है मैंने निकाला नहीं इसलिए ये निकल नहीं रहा है तो चलिए पहले सिम ट्रे ही खोल लेते हैं यहाँ पर आपका सिम ट्रे है इसको खोल देते हैं ये आपका सिम ट्रे अब ये आपका पी बाहर आ जाएगा आसानी से क्योंकि सिम ट्रे की वजह से ये लड़ रहा था चलिए ये आपका पी सी ये है एम आई का सबसे मेन पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें सेंसर भी लगा हुआ है ये सेंसर भी बाहर आ जाएगा ज्यादातर सेटों में सेंसर चिपके हुए होते हैं बट इसमें इस पीस जैक के थ्रू दिया गया है ठीक है एम आई में जैक के थ्रू दिया गया है तो इसको भी रख दीजिए ये पीसीबी है पीसीबी में आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट एम आई ए थ्री का पीसीबी इस पीसीबी में ही ईयरफोन का कनेक्शन दिया गया है अगर ईयरफोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इसको निकाल के चेक करना पड़ेगा उसके बाद एक माइक यहाँ और दिया गया है इसको बोलते हैं डुबल माइक मतलब कि एक आपका आता है डायरेक्ट माइक और एक आता है आपका स्पीकर बेस माइक अगर आप स्पीकर ऑन करते, है तो करते, करते हैं तो ये ऊपर वाला माइक काम करता है और के के अगर आप स्पीकर ऑफ करते हैं तो बॉटम माइक नीचे वाला काम करता है और ऊपर के कनेक्शन के साथ ये कनेक्शन है बट अगर आप ऑन करते हैं स्पीकर तो नीचे के रिंगर और ऊपर के माइक से ये वर्क करता है मतलब कनेक्शन उल्टा हो जाता है ठीक है तो ये आपका बोर्ड हो गया अब इसमें आपका बचता है ये फिंगरप्रिंट सेंसर ये तो हमें इसको निकालना है तो इसको भी ध्यान से निकालिएगा क्योंकि पत्ता बहुत ही नाजुक होता है ठीक है तो आप जितना आसानी से निकालेंगे उतना ही अच्छा रहेगा ठीक है निकालते वक्त सर आपको हर चीज़ का ध्यान देना है हर चीज़ का कि आपकी वजह से कोई प्र, प्र, प्रोडक्ट ख़राब ना हो देखिए इसमें मैं बता दूँ ये सोल्यूशन थोड़ा सा ढीला है बट हो सकता है आपके पीस में थोड़ा सा टाइट पीस हो तो मैं आसानी से निकाल दे रहा हूँ उसका मतलब नहीं कि आप ही निकाल दोगे तो इसको पहले ओपन करना होता है धीरे धीरे गर्म करना होता है थोड़ा सा हीटिंग करना होता है ठीक है हीट करके निकालेंगे तो आपका पीस बहुत ही आसानी से निकल जाएगा अब ये बच्चा है स्पीकर ये फ्रंट स्पीकर जो कि रिंगर का यूज़ करता है मतलब आपका बात करने वाला यूज़ करता है इसको निकालते वक्त भी आपको ध्यान देना है जिससे कि ये ख़राब ना हो चलिए हम लोग निकालते हैं आसानी से निकल जाएगा तो अच्छा ही है ये देखिए अब देख लीजिए इसकी फ्रंट स्पीकर है जिससे आप बात करते हैं वो किस टाइप का है ये देख लीजिए ठीक है इस तरह का आपका फ्रंट स्पीकर होगा और इस तरह से उस पर जाली लगी होगी ठीक है तो ये आपका ये हो गया अब इस फोन के अंदर आपका कुछ बचता नहीं है बचता है आपका फिंगरप्रिंट सेंसर और ये पावर की बटन तो जो आपका मॉड्यूल आएगा वो पूरा कंप्लीट आएगा ओरिजिनल में तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आपको ये निकालना बहुत जरूरी है इसको निकालने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा हम इसको कैसे निकाले तो यहां पर आपको हमें हीटिंग करना पड़ेगा ये देखिए बहुत ही टाइट है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा इस वीडियो में इसको मैं हीटिंग करके निकालूंगा तो ये आपका पार्ट्स है आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस उन्नीस पार्ट है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे उन्नीस पार्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है कंप्लीट में चलिए रखता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन उन्नीस पार्ट है दोस्तों हमारी एथरी में ये आपको निकालने जरूरत नहीं है फ्लेक्स केबल क्योंकि तो आपका मेड्यूज सही साथ आता है ओके और फिंगरप्रिंट सेंसर हमें निकालनी पड़ेगी तो हम इसको तो निकालने के लिए हीटिंग करेंगे और हीटिंग हम आगे से नहीं करेंगे पीछे से करेंगे ठीक है ये ग्लास इनका डैमेज है इसलिए इसको निकालने के बाद करेंगे तो धन्यवाद दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो डिसमेंब्लिंग की पूरी पार्ट्स तो आप इस वीडियो को देखते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए धन्यवाद दोस्तों थैंक यू